नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन इन दिनों टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 14 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं शो को काफी पसंद भी किया जा रहा है। शो में अब तक कई कंटेस्टेंट लखपति बन चुके हैं। वहीं इसी शो के दौरान सदी के महानायक कई कोरोना से भी संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे और एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ नानावटी में भी भर्ती रहे थे। इतना ही नहीं, उनके फैंस लगातार उनकी सेहत को लेकर भगवान से दुआएं मांग रहे थे, जिनकी दुआएं ऊपर वाले ने सुनी और कुछ ही वक्त में दोनों पिता और बेटे अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आए। वहीं हाल ही में बिग बी ने अपनी बीमारी पर बात कही है। दरअसल उनके शो में हाल ही के एपिसोड में मुंबई के थाने की रहने वाली एमएनसी कंपनी की कंटेस्टेंट स्पेशलिस्ट शांवी बर्डल हॉस्पिटल पर विराजमान हुई हैं। संभावनी ने मेडिकल इंडस्ट्री में अपने काम के बारे में बताया, जिस पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि वायरस चुनकर लोगों में हमला करता है। बिग बी की इस बात पर संभावनी कहती है कि अगर कोई वायरस नहीं है तो घर होने के बाद खुद को सैनिटाइजर क्यों लगाते हैं। संभावनी ने कहा कि सर, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप भी रोज़ाना तमाम लोगों से मिलते हैं, तो ऑडियंस में अगर कोई इन्फेक्टेड है तो आप हो सकते हैं। संभावनी की ये बात सुनने के बाद बिग बी ने जवाब दिया कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद को किस्मत वाला समझूंगा अगर ऑडियंस से मिलने की वजह से मुझे बीमारी हो। वहीं अमिताभ बच्चन ने आगे कहा कि मुझे बीमार होने को कोई अफसोस नहीं होगा अगर वो मेरी ऑडियंस की वजह से हुई हो। मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता है, मुझे उनसे हाथ मिलाने में कोई एतराज़ नहीं होता, वो सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति 14 इन दिनों लाइमलाइट में हुआ है। शो को यंग लोगों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस शो में आए हर कंटेस्टेंट अब तक भारी अमाउंट जीत कर जा चुके हैं।